आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राज किरण हूँ आपके साथ। हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय मानते हैं और कोई भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं। अब इसी कड़ी में बीते दिन शहर इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में नववर्ष को लेकर सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। बता दें कि यहां लाखों की संख्या में लोग बप्पा के दर्शन के लिए एकत्रित हुए। भीड़ को देखते हुए मंदिर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए थे। हर साल इसी तरह लाखों की संख्या में भक्त नए वर्ष पर भगवान गणेश के दर्शन के लिए आते। मैंने नए साल में सभी को योग से जोड़ने का संकल्प लिया है, जिससे जो हमारा इंदौर है वो स्वच्छता के मामले में नंबर वन है और स्वस्थता के मामले में भी नंबर वन आए। तो अभी नया टैग रहेगा, स्वस्थ इंदौर स्वच्छ इंदौर। जय श्री कृष्णा। आज साल के पहले दिन में मैं गणपति बापा के दर्शन करने आई हूँ और उन्हें बोलने आई हूँ कि मेरा साल खूब अच्छे से जाए, पढ़ाई में मन लगे और मेरे घर में सुख शांति बने। नव वर्ष की जो शुरुआत है वो रात को महाआरती होगी पुजारी परिवार के द्वारा। रात को 11 बजे ही मंदिर के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया था। सुबह 5 बजे मंदिर का द्वार खुलना थे तो सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लाइन लगना शुरू हो गई थी। 5 बजे जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार खुले, लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। 4-5 के स्टेप से दर्शन कराए जा रहे हैं। बाहर भी लाइनें बहुत लगी हुई है और दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि जैसे ही थोड़ी सी गर्मी शुरू होगी तो काफी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।